टैली चैप्टर 186। आज का टीडीएल सेशन एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, जिसके अंदर आप लोग रेडीमेड कोड तो देखेंगे ही, आप यहाँ पर टीडीएल सीखेंगे भी। और एक सिंगल लाइन की कमांड से आप रो वाइज मल्टीकलर लेकर के आ सकते हैं अपने वाउचर एंट्री के दौरान। हमारे काफ़ी साथियों ने इसकी रिक्वेस्ट की थी और उनमें से कुछ लोगों की डिमांड इसी से रिलेटेड थी कि हमें वाउचर लेवल पर मल्टी रो स्टॉक आइटम कलर चाहिए। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन्होंने टीडीएल दिया, एग्जांपल दिया, मैंने टीडीएल तैयार कर दिया। अब वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो उनके ऊपर है। लेकिन एक बेहतर चीज़ जो मुझे इसमें समझ आई कि ये लेसन इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट सीखने के लिए हमारे बाकी सभी साथियों के काम आने वाली है। तो चलिए मैं टाइम नहीं गंवाऊंगा, सीधे मुद्दे पर आ जाता हूँ। अपना वाउचर पर जो भी मैंने एंट्री की है उसमें जैसे ही मैं कोई एंट्री पास कर रहा हूँ, वहाँ पर मेरा जो कंटेंट है उसका कलर चेंज होता जा रहा है। एक से ज़्यादा आइटम लेते ही यहाँ पर रो वाइज कलर हमने ऐड कर रखा है। तो वहाँ पर आप देखिए कलर चेंज होता जा रहा है। लाइट ग्रे दिया है, स्पेशल लाइट ग्रे आया आपकी बार। हर बार जब भी आप एक नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं वो उसका कलर चेंज कर देगा। ये आप समझिए कि जो हमारा लेसन 180 है उसका ही नेक्स्ट लेवल है, अपग्रेडेड है। तो आपने हमारे ढेरों वीडियो चैनल पर देखे हैं, राजीव मिश्रा चैनल पर, यहाँ पर टीडीएल से रिलेटेड ढेरों वीडियो है और उन सैकड़ों वीडियो में आप लोगों को रेडीमेड कोड भी मिल रहा है और कोडिंग सिखाई भी जा रही है। तो अगर आप ये लेसन समझना चाहते हैं तो आपको 180 लेसन जो है वो एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल उसी की तरह जुड़ा हुआ है। बस आपकी रिक्वेस्ट पर कुछ कंडीशन लगा करके हमने नया टॉपिक ऐड किया है आपके लिए। नोटपैड पर चलते हैं, रो वाइज कलर ले लेते हैं। पहले मैं आपका टैली एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि कोई भी कलर यहाँ पर ना रहे, बिल्कुल प्लेन क्लियर है। अब मुझे यहाँ पर सिंपल नोटपैड की एंट्री करनी है। तो लेसन 180 से आपने सीखा कि हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यहाँ पर एक नाम होता है, वो नाम ले लीजिए और यहाँ पर वो ऐड कर दीजिए। मैंने स्टॉक आइटम का कलर चेंज करना है तो मैंने यहाँ पर फील्ड हैश के साथ में स्टार्ट की और यहाँ पर हमने वाउचर। अब इसमें जिस फील्ड का रे कलर आपको चेंज करना है वहाँ पर आपको उसका नाम लिख देना चाहिए। जैसे मैंने स्टॉक आइटम लिख दिया। अच्छा, काफ़ी सारे कमेंट्स में आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, अप्रिशिएट किया, थैंक यू। और कुछ साथी तो कह रहे हैं कि आप टैली से बच्चों की तरह एक्चुअल में खेल रहे हैं। तो नहीं, ये सिर्फ कोडिंग का कमाल है कि अगर आपको कोडिंग आती है तो आप टैली को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। तो वो एक कमेंट भी आया था, थैंक यू। और एक साथी ने कहा कि हम 1998 से टैली चला रहे हैं लेकिन अब टैली सीखने में मज़ा आ रहा है क्योंकि हम कुछ एक्साइटिंग चीज़ें यहाँ पर करते हैं। तो थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारे साथी हैं जिनके लवली कमेंट्स आते रहते हैं और रिक्वेस्ट भी आ रही है, एक एक करके वन बाय वन मैं पूरा कर रहा हूँ। आज 3-4 वीडियो आपको मिलेंगी आपकी रिक्वेस्ट पर। तो हमने फील्ड वाउचर स्टॉक आइटम लिया और वही कमांड ले ली मैंने लोकल। लोकल में मैंने स्टाइल ऐड किया था, लेसन 180 में दिया हुआ है। फिर मैंने उसको डिफ़ॉल्ट दे दिया था, डिफ़ॉल्ट में मैंने हाइट बढ़ाई थी, आपको याद होगा। तो हाइट बढ़ा दीजिए, मैंने हाइट इसको फॉर एग्जांपल 16 कर दिया इस बार, ठीक है, 16 की हाइट हो गई। अब हमारे पास जो कलर आएगा वो कलर का मैजिक चलेगा, बैकग्राउंड कलर का। तो यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड कमांड लेनी होगी। अच्छा, कुछ साथी हमारे कह रहे थे कि उन्हें ये फील्ड जो है
प्रिंट में लार्ज बोल्ड चाहिए तो उनको सिंपल यही कमांड लिखनी है, और यहाँ पर उनको स्टाइल जो है वो लार्ज बोल्ड करना है, वो मैं समझाऊंगा। पहले हम टॉपिक पर चलते हैं। अब बारी आती है बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड थोड़ा नीचे। बैकग्राउंड आमतौर पर अगर आप कोई बैकग्राउंड लगाते हैं तो बैकग्राउंड कलर का नाम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर आपने लिख दिया रेड, तो बैकग्राउंड रेड हो गया, कंट्रोल एस टेली पर जा कर के वो रेड कर देगा। लेकिन रेड तो वो करेगा एक ही टॉपिक को, जो आपका पहला डेटा होगा वो रेड होगा, उसके बाद वाले सभी रेड होने लग जाएंगे। मैंने मोबाइल लिया, ये रेड हो गया, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट आएगा वो भी तो रेड ही चलेगा ना, क्योंकि मैंने सभी पर रेड अप्लाई कर दिया है, ये देखिए तो ये रेड चल रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये कलर चेंज हो। अब ये कलर कैसे चेंज होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक कमांड लेनी होगी, सिस्टम को टैली को बताना पड़ेगा कि कब कब कैसे कैसे कलर चेंज करना है। ये सावधानी आपको रखनी है, एक लाइन की कमांड है, सिर्फ एक ही लाइन की। देखते हैं, तो मैंने कमांड की शुरुआत की इफ स्टेटमेंट से। अब मैंने उसको दिया इफ, अगर मैं कैसे इंश्योर करूं कि अगली लाइन का कलर चेंज करना है, टैली कैसे समझेगा। प्रोडक्ट का नाम तो हर कंपनी में अलग अलग होता है, तो प्रोडक्ट का नाम अगर अलग अलग कंपनियों में अलग होगा तो उनका कलर कैसे डिफाइन होगा। मेरी कंपनी में मोबाइल है, लैपटॉप है, शुरुआत में मैं आटा चावल दाल बेच रहा था, टेली एग्जाम्पल्स में साबुन कंघा तेल, और अब मैंने यहाँ पर मेडिसिन्स भी दी आपको, तो हर कंपनी के लिए अलग है। तो मैंने एक काम किया, मैंने क्या किया, यहाँ पर सिस्टम को बोला कि भाई जो मेरा लाइन आ रही है, एक सीरियल नंबर तो आता है ना लाइन पर, 1 2 3 4, उस सीरियल नंबर से मैं अपना काम निपटा लूँगा। मैंने कहा अगर सीरियल नंबर एक हो, यानी कि फर्स्ट रो, तब आप एक काम करो, देन अगर सीरियल नंबर बराबर हो 1 के, तो आप उसका कलर जो है वो कर दो ब्लू, माना कि, या रेड कर लो फिलहाल, ठीक है, या आप यहाँ पर ग्रीन कर दो, तो मैंने ग्रीन दे दिया फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया। और अगर वो एक नंबर नहीं है तो एल्स, एल्स आप कर दो इसको मान लो ग्रे, ठीक है। अब दो ही कलर अप्लाई हुए, या तो ग्रीन आएगा या फिर ग्रे आएगा, पहले वाला तो ग्रीन होगा, दूसरे वाला ऑटोमेटिक ग्रे हो जाएगा। कंट्रोल एस सेव करते हैं, टैली पर चलते हैं। याद रखिएगा, अगर स्पेस की गड़बड़, कॉमा आपने इन्वर्टेड कॉमा गलत जगह लगा दिया, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो बैड फॉर्मूला एरर आपकी स्क्रीन पर आएगा, तो बार बार आपकी टैली बंद होने लग जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए टाइपो करेक्शन ना करें, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है ना। ये देखो मैंने इसको कहा अगर ये हो तो ये हो जाए, नहीं तो ये हो जाए, ठीक है। कंडीशन दे दी मैंने कि अगर मेरा प्रोडक्ट लिस्ट एक है, पहला है, तो ग्रीन कलर, नहीं तो ग्रे कलर, बहुत सिंपल है। चलो अब मैंने लिया प्रोडक्ट कैश, यहाँ ले लिया मैंने मोबाइल फोन, क्वांटिटी 1 पीस, रेट जो भी टेस्टिंग के लिए डाला गया है वो हो गया। प्रोडक्ट 2 लैपटॉप, अब क्योंकि वो 2 नंबर पर है, भाई सीरियल नंबर तो 2 है, तो 2 नंबर ऑटोमेटिक ग्रे हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रोडक्ट सेम या कुछ और, वो तो नंबरिंग पे चलेगा। 3 नंबर जो है यहाँ पर, ये देखिए 3 नंबर, क्योंकि अब एक नंबर ही ग्रीन है, बाकी सब ग्रे पर चलते रहेंगे, ठीक है। यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी काम कर रही है, ठीक। चलो अब मैं इसको एक काम करता हूँ, कंट्रोल ए एक्सेप्ट करा देता हूँ, डन। अब हम क्या करते हैं, इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे। ये तो 2 कंडीशन हुई, मैं कंडीशन बढ़ाने जा रहा हूं। मैंने उससे बोला कि अगर लाइन नंबर 2 हो जाए, ये कोडिंग आप सीख जाएंगे, बाकी सारा कोड आप अपने आप लिख दोगे, बस उसमें कलर चेंज कर देना तुम मेरा, ठीक है। उसने कहा ठीक है जी, मैं कर दूंगा। तो मैंने ये जो ग्रे है इसको फिलहाल डिलीट कर दिया, टेम्पररी, इस लाइन को पेस्ट कर दिया, आगे बढ़ाया, और मैंने कहा लाइन नंबर अगर 2 हो जाए,
मेरी स्टेटमेंट में, तो उसका कलर जो है वो कर देना आप ग्रे। ठीक है जी, अभी मैं यहीं नहीं रुका, मैंने इसको फिर से एल्स लगा दिया। अगर अब ये बढ़ाते जाओ आप, ये मैंने फिर से लाइन कॉपी कर रखी है, वो मैंने पेस्ट कर दिया, ये रहो। अगर ये लाइन नंबर 3 हो जाए, कितने प्रोडक्ट लेते हैं आप, 10 लेते हैं, 20 लेते हैं, 50 लेते हैं, वो ले लीजिए। यहाँ पर एक ही बार तो कोड बनाना है आपको। टीडीएल में आप तो देखते हो ढेरों लंबे लंबे कोड खींच के बनाते हैं, दो दो चार चार पाँच पाँच स्क्रीन का, पेज का, ये रहा। ठीक है जी, तो अब एल्स लगाया मैंने, एल्स के बाद में फिर कॉपी करके पेस्ट कर दिया। मुझे वैसे एल्स पहले ही कॉपी करना था, वो मैंने किया नहीं, कोई बात नहीं, अब की बार कर लूँगा। ये हमारा ब्लू हो गया, ये हमने दे दिया इसको रेड। रेड, अब नंबर देखो, 1, 2 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, एल्स, अब मैं इसको पूरा ही कॉपी करूंगा इफ के साथ में एल्स तक। कॉपी पेस्ट 5। अब आप कलर ढूंढते रहो और उसको ऐड कर दो। मैंने बोला जी लीफ ग्रीन, नहीं करेगा तो हम लाइट ग्रीन करेंगे। ठीक है, एल्स 5 नंबर हो गए। स्पेस डाल के मैंने इसको ब्लैंक कर दिया, या किसी कलर का नाम रख दो। यहाँ पर मैंने कर दिया येलो, मतलब नीचे के सारे जो कंटेंट आएंगे उस सारे के सारे चलेंगे येलो में। सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस। ठीक है, कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो। F5, वाउचर ग्रीन पे आ गया। पिछला ये टॉपिक है, 3 टॉपिक हो गए। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे मैंने मान लो लैपटॉप ले लिया, ये रही क्वांटिटी। ठीक है जी, इसके बाद में मैंने फिर से एक नया प्रोडक्ट लिया, मोबाइल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वो जो लीफ ग्रीन समथिंग दिया हुआ है वो आ रहा है। फिर एक प्रोडक्ट लिया मैंने, लैपटॉप या जो भी प्रोडक्ट आता है वो लेते जाइए। और यहाँ पर कलर येलो हो गया। अब इसके बाद तो सारा येलो ही चलना है, क्योंकि मैंने कमांड उतनी दी ही नहीं है। अच्छा, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं ना टीडीएल की, तो मुझे एक चीज़ और बता दीजिएगा कि भाई आखिर हमने ये टॉपिक क्यों लिया है, किस कंडीशन में, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ ना तो लोगों के मन में सवाल होता है, FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, कि सर इसका बेनिफिट क्या होगा, तो मुझे उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे ही नहीं पता, मतलब मेरी नीड नहीं है, तो आप मुझे बताएंगे तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आपने रिक्वेस्ट की, आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो रही है, लेकिन क्यों वो रीज़न भी दीजिएगा ना। इसलिए चलिए, तो मैं अब, ये तो रहा जो प्रोडक्ट है अपना, वो कंट्रोल ए, वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक आइटम का कलर चेंज कर रहा है। क्या हो अगर मुझे चेंज करना हो बाकी सभी फील्ड्स को, तो मैंने बता रखा है लेसन नंबर 180 में सभी फील्ड के नाम मैंने आपको दिए हुए थे। मुझे क्या करना है, उठा के कॉपी करना है। अगर वीडियो बड़ी करनी है तो मैं टाइप करने बैठ जाऊंगा, जैसे अक्सर मैं करता हूँ। मुझे बस पेस्ट ही तो करना है और फील्ड का नाम ही तो बदलना है। चलो जी, फील्ड का नाम क्या है, बिल्ड क्वांटिटी। ठीक है जी, सेव, बिल्ड क्वांटिटी को सेव कर दिया मैंने। टैली पर गए, अब हमारा रिफ्रेश बाहर होता है मेरा, F5, वाउचर, और ये देखिए आपका बिल्ड क्वांटिटी का कलर, मतलब कलर किसी फील्ड पे नहीं चाहिए, कहीं से हटाना है तो हटा लीजिए, बस फील्ड का नाम लेना है आपको और काम बन जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पर कॉपी पेस्ट, सेम कर रखा है मैंने, बस मुझे क्या करना है, फील्ड का नाम रेट लेना है। लो जी, कंट्रोल एस, बाकी सब तो सेम रहेगा ना, यानी कि फील्डों के नाम हो रहे हैं, कलर तो वही लेना है। कंट्रोल एस, टैली पर जाइए, एक बार और रिफ्रेश कीजिए, ये लीजिए F5, वाउचर, पेज अप। लो जी, आ गया यहाँ पर रेट पर। आगे चलते हैं, अब दोनों एक साथ दिखा दूंगा, पेस्ट करता हूँ, ये लो, इसका नाम दे देते हैं हम लोग रेट यूनिट, क्योंकि ये खुला हुआ है, डिस्काउंट खुला होता तो डिस्काउंट का नाम दे देते।
इसके बाद डिस्काउंट नहीं खुला है तो कोई बात नहीं, अमाउंट भी दे देते हैं। अच्छा, अमाउंट के लिए AMT नहीं लिखना आप लिखोगे यहाँ पर वैल्यू, याद होगा लेसन 180 में। सेव करो और टैली पर चलो, और इसके बाद में यहाँ एक ही बार में सबका कलर चेंज कर देते हैं। ये लो जी, हो गया। अब बताइए यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया। तो फील्ड का नाम आपको अगर पता होगा तो आप उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाओगे, और आपका इफ एंड और के लिए, मतलब इफ एंड और सब लगते हैं इसमें, लॉजिक डेवलपमेंट चाहिए। ये तो मेरा लॉजिक है, ये मैंने लॉजिक लगाया, मैंने उसको कैलकुलेट किया इस तरीके से। अब सेम पैटर्न पर आप क्या करोगे, आप ना प्राइस का स्लैब बनाओगे। हमारे कुछ और व्यूअर्स ने कहा था कि जी अगर, जैसे वो प्राइस लिस्ट बनाते हो ना आप, वैसे ही अगर किसी ने 30 पीस खरीदे तो उसका रेट इतने रुपए से मल्टीप्लाई कर देना, अगर किसी ने 50 पीस खरीदे तो उसका रेट इतने से मल्टीप्लाई कर देना, वो स्लैब होगा। वो स्लैब ना इसी लॉजिक पे चलेगा। कंडीशन में थोड़ा बहुत बदलाव होगा लेकिन लॉजिक कुछ इस तरीके का होगा कि अगर, मैं आपको अभी बता देता हूं, अगर क्वांटिटी बराबर हो 10 के, जैसे आपने स्लैब लिखी है, तो फिर यहां पर हमें स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करना है। अगर क्वांटिटी बराबर हो 20 के तो रेट को मल्टीप्लाई इतने से करना है। तो वो बैकग्राउंड पे लगेगा नहीं, वो रेट के लिए लगेगा। जो हमने रेट बनाया हुआ है ना, उस रेट पर ही ये अप्लाई होगा। चलो उसकी वीडियो पर मैं काम कर रहा हूँ, आपको बता दूंगा, लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया है, क्योंकि वीडियो वो पहले बनती है जिनकी रिक्वेस्ट पहले से चल रही है, तो उस पर भी काम करके बताएंगे। अच्छा, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर वाकई में आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, एक बढ़िया सा कमेंट अगर बढ़िया के लायक है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए ढेरों वीडियो बना रहा हूँ, कोई वीडियो मिस हो जाएगी तो दिक्कत होगी। इस तरीके से हमने टैली चैप्टर 160 मतलब 86 कंप्लीट कर लिया। अब अगर आपके पास कोई TDL की रिक्वेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में डिटेल के साथ एग्जाम्पल दे करके आप बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर दूंगा और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। सो टैली चैप्टर 186 कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं टैली चैप्टर 187 की ओर।